शादी में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब ने सब कुछ बता दिया मुझे। मिलके वो रोने लग पड़ी थी, सारी हकीकत आपके सामने आ गई है। वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। गर्मी इतना, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं मौसम। भूख लगी है, भूख लगी है, बस मैंने झाड़ू। माशा जी रोटी बना के मैं आ चुकी हूँ, और सारा सामान वगैरह जो है पहले आपको काम मिली थी क्या? ये मुझे देना मेरा अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, बाद रहें हंसते और मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक का करम है, आप लोग की दुआएं हैं, तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उन्हें नेक साले औलाद दे, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, आमीन सुमा आमीन। इस नेक दुआ के साथ जो है ना हमारे लोग होता है शुरू और चलते अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो जो बहुत अच्छी और ज़बरदस्त होने वाली है, रहना है हमारे साथ। लाइट जो है ना, रात की हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, गर्मी है बहुत ज़्यादा गर्मी इतना। ये देखें मैं आपको दिखाऊं मौसम जो है ना, ये देखें कोई हवा नहीं चल रही, ना कोई बादल वादल है, मौसम बिल्कुल साफ ही साफ है। लेकिन लाइट जो थी ना, वो लाइट नहीं थी, तो बहुत गर्मी थी, बहुत परेशान थे, नींद भी नहीं आ रही थी। तो अभी अभी लाइट आई है, वो देखें पंखा चल रहा है, और इधर यहाँ पर बच्चे जो है ना अभी सो रहे हैं, बड़े जो है ना सब उठ गए हैं, अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। मेरे हाथ में भी झाड़ू आ चुका है, आंखें नहीं खोल रही, नींद से आंखें नहीं खोल रही। वो जो फ्रिज में आटा पड़ा था वो ले आए हो? हाँ, ये भी तो बहुत ज्यादा है, इतनी ना वीडियो क्या कहते हैं, सख्त रखा करो, ज़्यादा नर्म ना किया करो, फिर तंदूर के ऊपर जब लगाती हूँ ना हाथ जब बहता है, रोटी लगती भी नहीं है। इधर जाना आटा गूंदा जा रहा है, आटा भी बहुत सारा आपने गूंद लिया है, क्या करना था इतनी आटा? कोई शादी दुखी ब्याज भी तो नहीं आ रही ना। रोम रोम रोम, मुखलस सो रहे हैं अभी, ये सोए हैं पूरी रात, तो जागते रहते हैं ना, तो अभी सुबह 6 बजे ये सोते हैं, और हम जो है ना वो जाग जाते हैं। सुबह सुबह मेरे विलेज का मौसम, ऊपर परिंदे, नीचे सब सब्ज हरियाली, वो वाला जो है ना किधर गया, ये पानी वाला ट्यूबवेल है, और गंदम की फसल है, और साथ में है चावलों की, अपने कमरे की सफाई करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हमें आप यहाँ झाड़ू लगा दिया, हमें भूख लगी है, भूख लगी है, बस मैंने झाड़ू लगा लिया है, अभी जो है ना लकड़ी उठाती हूँ, ठीक है ना। बाकी साइन का जो झाड़ू पड़ा है, चार पाई या आपकी सिस्टर डाल देगी, और पोछा वगैरह जो है ना वो भी लगा लगी, मैं अभी चलती हूँ।
हाथ धुलाई करके ना फिर लकड़ी उठा के तंदूर जला, फिर अभी खाना बन जाता है, टेंशन क्यों ले रहे हो? आज आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है क्या? रात को नहीं खाया था? नहीं। चलो टेंशन मारना, फिर भी बना के आ जाते हैं, तंदूर जलाते हैं। आज हवा वगैरह तो नहीं है, हवा से डर लगता है क्योंकि तंदूर जलाते हैं ना, तो आपके चाचू के जो कनोपे हैं उससे डर लगता है कहीं उनको आग ना लग जाए। ये कचरा मैं डाल लूं। जैनब आप ना आसान को उठा के अंदर सुला दो और बैटरी वाला पंखा चला दो। लाइट जो है ना पूरी रात की जली किया हुआ है लाइट में, बाहर धूप आ चुके, गर्मी है बहुत ज़्यादा। आप चले जाओ मैदान, पंखा चला दो वो बैटरी वाला और इनको उधर सुला देगी। आ गई हो? हाँ जी। बस मैंने झाड़ू लगा लिया है। हाँ जी। मैंने कहा यार हाथ मुँह धो लूँ। हाँ जी। फिर चलते हैं मड हाउस में। हाँ जी। तंदूर जलाने। ठीक है। हाँ जी। मैं राम कह रहा हूँ मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आपको लग रही है? नहीं। आपको भूख नहीं लग रही? नहीं। उधर कुछ लकड़ी पड़ी थी, पता नहीं कितना पड़ी थी, चल के देखते हैं। ठीक है। आज मेरे बाजू में फिर से दर्द है बहुत ज्यादा। रात में ना एक पोछण की इधर पट्टी बांधी थी, फिर भी नहीं नींद आई, इतनी दर्द है ना, बहुत ज्यादा पेन हो रही है। और कुल्हाड़ी से ना मुझसे लकड़ी भी नहीं काटी जा रही। उधर चल के देखते हैं, जितना पड़ी होगी उतना मैं डाल दूंगी। ठीक है, काम होगी ना, फिर आपकी खाला को बोलेंगे वो उधर से काट के मुझे देगी और मैं तंदूर जलाऊंगी और रोटी इकट्ठे बनाते हैं ना। पहुंच गए हैं जी मादा हाउस में। कुकरी अभी पड़ी है? हाँ जी। वजान तो उधर चला गया, देखा। आवाज लगा रही। जान जा रहा है दही लेने के लिए, दही लेके वापस आएगा, वो दाना ले आएगा, फिर डालेंगे। इधर दाने जो है ना वो खत्म हो गए हैं। ठीक है। वो देखा मौसम ऐसा बना हुआ था ना, ऐसे लगता था हम मरी में गए हुए हैं। इतनी ज्यादा ठंड पड़ती थी रात को, हालांकि कंबल भी पहनते थे फिर भी इतनी ज्यादा। मैं ना वीडियो देखी, मैंने कहा हाय इधर हम गर्मी से मर रहे हैं, उधर उन्होंने रजाइयां और कंबल ओढ़े हुए यार। इतनी वो सात दरिया और नहर वगैरह है ना, तो वो दरमियान में हो जाते, तो उसकी वजह से इतना ज्यादा ठंडक पड़ती, इतना ज्यादा हम कंबल भी पहनते थे फिर भी इतना सर्दी लगती।
बड़ा मजेदार मौसम माशाल्लाह, बहुत अच्छी शादी गुजर गई है। हाँ, हम सोच रहे थे कि हम तो एसी पे सोते, वहाँ पे इतना ज्यादा गर्मी होगी, हम कैसे जाना इतने दिन रह पाएंगे, लेकिन हमें पता भी नहीं चला कि हम एसी वाले घर में रह रहे हैं या नहीं है। हाँ, ये ना जहाँ पर ज्यादा नहरे हो ना, पानी बहता और कच्चे का इलाका हो ना, जहाँ पर उधर जो है ना वो चावलों की गंदम ज्यादा है ना, चाहे पानी जैसी जगह में ज्यादा यूज होता है ना, जैसे खड़ा रह जाए। वैसे भी उधर कौन सा पानी कम होता है, सिलाब वगैरह तो रहता ही है हर वक्त। तो अभी फिर आपको पता है कि वो दूसरा जो छल वगैरह आती है उसका ज्यादा जोर है, उधर तो बहुत ज्यादा खतरा होता है हर साल उधर, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा फिर आंधिया वगैरह बारिशें वगैरह होने शुरू हो गई है, तो इस वजह से मौसम बिल्कुल उधर ठंडा है। लेकिन हम इधर जब आए इधर देखा ना वही हाल है, हमने कहा यार इधर तो गर्मी कम ही नहीं हुई, उधर कितनी मजे का मौसम था। इधर एक दिन बारिश आई, एक दिन आंधी आई, फिर जो एक रात ठंडी हुई थी उससे भी ज्यादा गर्मी हो गई, पहले से गर्मी बढ़ गई है, बढ़ गई है। अच्छा, मैं ना मुर्गी को डेली निकालती थी, दाना डालती थी, इसका जो पड़ा था वो खत्म हो गया। अब आज आई ना फिर ये बोलने लगी, मैंने कहा आज दाना आपका खत्म हो गया, डेली तो खोलती थी, आज साइड मार के चली गई। शुक्र है, बच्चों को भेज रही थी दही लेने के लिए, फिर मैंने कहा याद आ गया, मैंने कहा खोल जाती, पहले मैंने याद किया, सुबह सुबह उठी मैंने याद किया, मैंने कहा जाती हूँ खोल आती हूँ, फिर वो बताया इधर सांप है, मैंने कहा मैं नहीं जाती, ऊपर बैठा हूँ मुझे चिपक जाए। किसने कहा सांप, वो इसी गोपे के छत में सांप था जो हमारी सारी मुर्गियां मरी है ना, उसी ने खाई है, फिर वो ऊपर है, इसी छत के अंदर था, लेकिन कल परसों से वो निकल गया था यहाँ से, पता है निकल गया जहाँ, या खूब कह रहा था जहाँ से निकल गया, अब पता नहीं उसी ने देखा है, पता नहीं, हम तो डेली आते थे इधर, है ख्याल से आया करे, भाई सांप जो है ना वो अंदर खेलता रहता था, कभी उसको ख्याल किया करे, इसी के अंदर है वो, हमारी तकरीबन हमने जो छोटी बच्चियां 18 ली थी, अभी 4 बच्ची हुई, सारी वो खा गया, डेली चार मरी नहीं है, उसी की वजह से मरी है, ये मुर्गियों की वजह, मुर्गियों की हवा से ना वो आते हैं। आप ना इसको खत्म करो और एक बड़ा सा वो टोकरा ले, सामने यहाँ पे लगवानी है जाली लगवा के, फिर जो है ना इनको याद रखना, सही हो गया जी। अच्छा, तंदूर जलाने लगी थी, हाँ तंदूर चले जलाए, मैं भी आ रही, मैं आटा गूंज शुरू कर रही थी, फिर मैंने कहा बच्चों को तीन हम पहले से हैं, चौथी आप ही आ जाना, चौथी मैं हूं, चार हो जाएंगे ना, फिर से कौन से रोटी लगाएंगे, सही है, तीसरी कौन है, वो भी आती है, और साहिबा है, मैं, चलो सही है, तंदूर जला ले, चौथा नंबर मेरा, हाँ आपका नंबर भी लग जाएगा इंशाल्लाह। क्या हुआ, अब जो है आंटी सबा ने ना इनको दाना दे दिया है, अभी वो खा रही हैं, मम्मी मामा वो अभी दाना खा रही हैं, दाना खा रही हैं, हाँ जी, उन्होंने पानी नहीं डाला ना, नहीं पानी तो है नहीं, आप ना वो बोतल जो पड़ी है ना खाली, वो ले जाए चाचू मोहिद्दीन के घर, उस बोतल में कुछ पानी डाल के ले आओ, फिर इस खुरली में डाल दो, आपकी आंटी को भूल जाएगा पानी, फिर मुर्गियाँ जो है ना प्यासी रहेगी। मैं ले आई हूँ ये पानी, और ये मुर्गियाँ जो है ये पी रही हैं,
माशा जी रोटी बना के मैं आ चुकी हूँ और सारा सामान वगैरह जो है क्या हो गया हाँ डोला कंप्यूटर को बंद कर दो बेटा ब्रेक लगा दो रुक जाओ ठीक है ये ना गरम पानी ले आओ और बनाते हैं लस्सी आमना आमना आपको भूख लगी है क्या खाओगी लस्सी और रोटी बहुत सालन नहीं खाओगी नहीं रात आपने तो बनवाई थी ना क्या बनवाई थी दाल बनवाई थी दाल माशाल्लाह लस्सी बना लें फिर जाना मक्खन भी लगाएंगे और खाना भी खाएंगे आपने नहाया नहीं है गर्मी कितना है पापा कह रहा था आज नहाएंगे तो कल जाएंगे आ जाएंगे तो कब कहा है आपके आपके पापा ने कल कल बोला था फिर तैयारी आपने की है तैयारी नहीं की तो ऐसे कैसे जाएंगे वो गिराओ नहीं वो तो सीधा पकड़ो अभी खाओ नहीं ठीक है तैयारी करोगे तो फिर जाएंगे ना दिन कम रह गए हैं ईद भी आने वाली है क्या हो गए ऐसे ऐसे पकड़ो ठीक है हिले नहीं तर गई है चलें जी अभी हमने दही डाल दिया हाथ हाथ धो के आओ ना मम्मी वो ना मुझे लौटी के साथ सालन दो मैं खाऊंगी बिलकी के साथ अच्छा जी ओके हो गया जैनब दूसरी कंदूरी तो ले आओ जो वो देगची के ऊपर होती है ये नीचे पानी वगैरह जो गिरता है चटाई के ऊपर वो तो मैं साफ करती रहूं बैठ जाओ पहले आपको काम मिली थी क्या ये मुझे देना मैडम अच्छा भिया नहीं है पता नहीं कहाँ चली गई है पता नहीं रोटी रखने की जगह एक
को भी चेक करो। अच्छी तरह से मिक्स करके और डाल लो। ये रोटी को लगा लो, जो बच जाएगा ना वो आप खाएंगे, ठीक है? ओके हो गया, ठीक है। वो मिक्स तो करो इसको, मिक्स इतना है। अच्छी तरह से घुमाओ ना, नीचे रखा होगा। आज आपने लस्सी को खराब करना, मुझे पता है। ऐसे नहीं करो, घुमाओ जाना, सुकून से आराम आराम। सालन किसको चाहिए? मुझे। हाँ
तरतीब से मुकम्मल दिखाना है। एहसान आपको सालन चाहिए? नहीं, मैं तो तना उधर रखा है, कंप्यूटर पे रख के आए हो, ले आए इधर? नहीं। अच्छा ये जी सब बच्चे बड़े जो है ना माशाल्लाह खाना खा रहे हैं। मूंगी मछली की दाल है, तंदूर की रोटी है, मक्खन लगा हुआ है, ऊपर से ठंडी ठंडी लस्सी है। तो माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा है, पंखा चल रहा है, बस कैसा है जी? बहुत अच्छा, देखो वेरी गुड वेरी। उधर लाइट दो, लाइट गुड। तो ये है हमारा सुबह का नाश्ता जी। बहन भाई ने खाना है तो मोस्ट वेलकम, आ सकते हैं। फिर ना कहना कि आप लोग ने हमें बताया नहीं है, हमें सुल्ला नहीं लगाई। हम डेली सुल्ला लगाते हैं, जिसका दिल करता है हमारे विलेज के देसी खाने खाने को, तो मोस्ट वेलकम, वो आ सकते हैं। तो अभी लेते हैं आपसे इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे शाम वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। क्या सब्सक्राइब? जबान जो है ना मेरी अटक जाती है, तो आप लोग जब मेरे ऊपर हंसा करो, ठीक है ना? मुझे सरप्राइज, हम ना जैनब कहते सरप्राइज, ठीक है जी? तो इंशाल्लाह दो में हमें याद रखना है, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ में रखे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।